हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज की वीडियो में डीसी फोर प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम, जिन बच्चों ने जुलाई में एडमिशन लिया है वो बच्चे प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, कब सबमिट होगा। तो सभी इंफॉर्मेशन फुल बताऊंगी और आज से एक न्यू सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें एक्टिविटीज के बारे में आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी कैसे कैसे आपकी एक्टिविटी होगी और कौन कौन से टाइटल्स पे आपको रिटर्न करनी होगी। तो इसके साथ ही गाइस, अगर फर्स्ट टाइम आई हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। गाइस, जिन बच्चों ने जुलाई या फिर जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर मंथ में एडमिशन लिया है, उन बच्चों की असाइनमेंट मार्च मंथ में सबमिट होगी और प्रोजेक्ट वर्क आपका अप्रैल मंथ में सबमिट हो जाएगा। तो अप्रैल में स्टार्टिंग में सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो DEC 4 आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसका आप फ्रंट पेज इस तरह से रेडी कर सकते हो जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, ये इन्फॉर्मेशन आप रिटर्न कर सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप इंग्लिश में इसमें ये चीज मेंशन कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद आपकी ये डिटेल्स मेंशन हो जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जो मीनिंग आपका DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क होता है, मैं बताना चाहती हूँ, उसमें प्रॉपर तीन पार्ट होते हैं, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड। तो तीन आपके पार्ट होते हैं। चरण वन तो क्या होता है, जैसे मीनिंग ये मैं आपको इंडेक्स शो कर रही हूँ। जो चरण वन होता है, अभी क्या था, स्कूल ओपन वाला प्रोजेक्ट चलता है कि आप किस स्कूल में आपने विजिट किया और स्कूल में जाकर आपने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। टोटल उसमें 45 एक्टिविटी होती है। 45 जो आपकी एक्टिविटीज होती है, मान के चलो पहला जो चरण होता है, पहला जो पार्ट होता है आपका 5 days का होता है। यहाँ पे आपको देखो, इन्होंने ना टाइटल्स मेंशन किए हैं कि पहला दिन क्या होगा, शरीरिक गतिविधियों का। सेकेंड जो आपका डे होगा वो लेखन और गिनती गतिविधियां होंगी। तीसरे दिन में भाषा गतिविधियां होंगी। चौथे दिन में वस्तु पहचान और कहानी गतिविधियां होंगी। पांचवे दिन आपका शरीरक, भाषा, कंप्यूटर या बाहरी गतिविधियां होंगी। ये मीनिंग मान के चलो, जब यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च किया था, जो इन्होंने एज अ डेमो हमें प्रोवाइड किया था, ये कोविड के अकॉर्डिंग किया था। यहाँ पे देखिए, एक तो हम ये टाइटल्स मीनिंग एज अ हेल्प के लिए ले सकते हैं, बट यहाँ क्या होता है, अभी जो स्कूल ओपन वाला प्रोजेक्ट है उसपे क्या करना होगा कि पहले दिन आपने, जैसे स्कूल में आप गए हो, आपने टीचर को मीनिंग देखा, टीचर क्या क्या करवा रहा है, कितने टाइम बच्चे स्कूल पे आए हैं, वो सभी चीज आपने क्या करना है, अवलोकन और विश्लेषण करना होता है। अवलोकन एज अ कैसे लिखोगे वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, एज अ एक डेमो प्रोवाइड कर दूंगी कि किस तरह से आप अवलोकन को रिटर्न कर सकते हो और विश्लेषण आपने रिटर्न करना है। यहाँ पे पहला दिन आप लिख सकते हो, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, इन्होंने एक्टिविटी की नेम मेंशन किए हैं। उसके बाद देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो पहला आपका आपका फर्स्ट चरण होता है वो 5 दिन का होता है। उसके बाद जो आपका दूसरा चरण होता है वो होता है 20 दिन का, 20 days में टोटल आपको 30 activities कंप्लीट करनी होती है। तो ये देखिए, जो दूसरा चरण है, मान के चलो दूसरे चरण चरण का आपका जो पहला दिन है उसपे आपने क्या किया, जो एक्टिविटी का आपका टाइटल रहेगा, सब्जी पर चित्रकला का एक गतिविधि छात्र। इसको प्रॉपर आपने कैसे करना है, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, आपका रिपोर्ट क्या रहने वाला है, आपने रिटर्न कैसे किया, वो भी डेमो बाय डेमो हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि आपने कैसे कैसे रिटर्न करना है। तो ये पहला दिन है, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। इसमें मैंने आपको बताया जो सेकेंड चरण है, इसमें टोटल आपके 20 दिन का होता है और उसपे आपको 30 activities कंप्लीट करनी होती है। तो पहले 10 दिन में तो आप एक एक एक्टिविटी ही करोगे, यहाँ तक पहले 10 दिन आपने वस्तु पहचानने से संबंधित एक गतिविधि छात्र, यहाँ तक आप एक एक एक्टिविटी करोगे। उसके बाद जो आपका 11वां दिन आ जाएगा, उस पे आप दो दो एक्टिविटी रिटर्न करनी स्टार्ट कर दोगे। ऋतु की थीम वह वन करने के लिए दो गतिविधि छात्र, इस पे आप दो मीनिंग मान के चलो गतिविधि करोगे। तो पिछले जो 10 दिन रहेंगे उस पे आप अगर दो दो करोगे तो आपकी प्रॉपर 30 activities कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके जैसे टाइटल्स हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो, आपके टाइटल्स कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन कौन से टाइटल्स पे आपको एक्टिविटीज रिटर्न करनी है 20 दिन। इसके साथ ही अगर गाइस आपका पहले का कोई प्रोजेक्ट रीसबमिट करवाने वाला है या फिर आपका कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट रहता है, रिजल्ट नहीं आया, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डिटेल शेयर कर सकते हो। हार्ड कॉपी चाहिए प्रोजेक्ट या ऑनलाइन सबमिट करवाना चाहते हो तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आपका तीसरा चरण, जो आपका तीसरा चरण रहता है वो भी आपका 5 दिन का रहता है। इस पे 5 दिन में क्या होता है, टोटल आपको 15 या फिर 20 एक्टिविटी कंप्लीट करनी होती है। अगर आप एक दिन में 3 करते हो तो 15 हो जाएगी, अगर आप एक दिन में 4 एक्टिविटी करते हो तो 20 एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक आपका ये रहने वाला है, देखिए मान लो इन्होंने फर्स्ट डे है गणेश पूजा पर आधारित गतिविधियां, यहाँ पे इस पे ही आपकी जो एक्टिविटीज रहने वाली है। उसके बाद आपका दूसरा दिन आ जाएगा गणेश पूजा पर आधारित और बाहरी गतिविधियां, इस पे ही आपकी एक्टिविटीज क्या है टॉपिक्स पे रहेंगी। तो इसी टॉपिक्स पे आपको 3 या 4 एक्टिविटीज करनी होगी। हाँ, बट जब आप 3 activities करते हो तो जो एक्स्ट्रा फॉर्म में हम टोटल लगाते हैं वो 3 के अकॉर्डिंग रहेगा, अगर आप 4 activities करते हो तो वो 4 के अकॉर्डिंग टोटल लगेगा, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगी।
देखिए इसमें आपका 5 दिन का क्या होगा, तीसरा जो आपका चरण है वो 5 दिन का होगा, तो टोटल आपका 30 डेज मान के चलो 1 मंथ का प्रॉपर प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि स्कूल में विजिट करके आपको बनाना होता है, साथ में आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है, वो भी धीरे धीरे मैं बताती जाऊंगी कि कैसे आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद आपकी एनेक्स्ट्रा फॉर्म्स आते हैं, वो भी मैं आपको शो कर दूंगी कौन कौन से एनेक्स्ट्रा फॉर्म्स इसमें लगेंगे। तो पहला चरण ये देखिए, पहला चरण इन्होंने जो ये पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में मान के चलो वीडियोस के अकॉर्डिंग इन्होंने पहला चरण का अवलोकन और विश्लेषण किया है। एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये आपने अभी नहीं करना, ये एज एक डेमो है कि आपको अवलोकन और विश्लेषण दिखाऊं, ये चीज आपने नहीं करनी, ये कोविड वाली के अकॉर्डिंग था, ये उन्होंने वीडियोस के देख के किया था। बट अवलोकन और विश्लेषण लिखना कैसे है उसका डेमो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने स्कूल में जाना है, विजिट करना है, वहां पे टीचर के साथ डे स्पेंड करना है, अपनी डायरी में रिटर्न करना है कि टीचर ने बच्चे कब आए, बच्चे ने स्कूल कब ज्वाइन किया, उसके बाद उनका लंच ब्रेक कब हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटी कौन कौन से टाइम पे की, वो सब कुछ आपने रिटर्न करना है डायरी पे, और उसको फिर अपने लैंग्वेज में अवलोकन लिखना है। और विशेषण आपने कैसे लिखना है वो चीज मैं आपको रीड करवा देती हूँ। देखिए फर्स्ट डे का हम अवलोकन अभी रीड करते हैं। 8 बच्चों और 2 सहायकों के साथ शिक्षक एक अच्छी तरह से सजाए गए कमरे में मौजूद थे। अभी ये जो अवलोकन है उन्होंने वीडियोस में देखकर लिखा है कि जो वीडियोस मान के चलो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की थी कोविड के स्टेशन के अकॉर्डिंग, उन वहां से लिखा है। बट आप किसी स्कूल में विजिट करोगे तो आप वहां पे जो मीनिंग आपने देखा वो चीज आपने रिटर्न करनी है। दीवारों पर चार्ट, 1 दीवार पर ब्लैकबोर्ड, 2 चमकीले रंग के मेज आते, यह पंखे और एसी कंडीशनर के साथ एक अच्छी तरह से रोशनी वाला कमरा था। शिक्षक ने बच्चों को बैठने के लिए कहा, फिर जल्दी से खड़े हो गए, फिर उसने उन्हें कमरे में चलने के लिए कहा। शिक्षक स्वयं भी सभी क्रिया कर रहा था, जो कुछ भी वह बच्चों को करने के लिए निर्देश दे रहा था। फिर उसने उनसे ऐसे काम करने को कहा जैसे वह तैर रहे हो। फिर उनसे उन्होंने अभिनय करने के लिए कहा जिससे कि वह उड़ रहे हो, और उन्हें कमरे में उड़ान बनने के लिए कहा। जैसे जो आप एक्टिविटी करवाते हो, कोई पोएम करवाते हो, तो उसके एक्सप्रेशन आप करवाते हो ना, तो सेम वही चीज आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने अलग लिखी है, बट आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्रियाओं के साथ वह मौखिक रूप से उन क्रियाएं शब्दों को भी कह रहा था, और बच्चे उन्हें दोहरा रहे थे। वह ये सब अंग्रेजी में कह रहा था। मददगार बच्चों को सही कार्य करने की सहायता कर रहे थे। फिर उन्होंने बच्चों को एक घेरा बनाने और बैठने के लिए कहा, उनसे उन्हें आंखें बंद करने को कहा। बच्चों को उलझाने के लिए उन्होंने अन्य दिलचस्प चीजें करना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चों को अपना अंगूठा दिखाया और उन्हें बताया कि ये छोटी उंगली है। बच्चों ने उसके साथ बार बार छोटी उंगली शब्द भी दोहराया। फिर सभी नहीं लेकिन उनमें से अधिकांश ने शिक्षक के साथ छोटी उंगली पर एक छोटी कविता का पाठ किया। तब शिक्षक ने उन्हें खरगोश का एक उंगली वाला पुतला दिखाया और उनसे पूछा कि ये क्या है। ये जब उसने पाया कि बच्चे जवाब नहीं दे सकते तो उसने खुद जवाब दिया। फिर उन्होंने बच्चों से उनके साथ जवाब दोहराने के लिए कहा। फिर उन्होंने बच्चों को एक बड़ी उंगली दिखाई और उन्हें बताया कि ये एक माँ की उंगली है। फिर उनसे पूछा कि ये क्या है। जब बच्चों ने सही जवाब दिया तो उन्होंने मम्मी की उंगली पर एक छोटा सा गाना गाया। जल्द ही बच्चों ने उसके बाद दोहराना शुरू कर दिया। इस तरह वह इस प्रकार की गतिविधियां को करता रहा। इन गतिविधियों के बीच में कुछ बच्चे को प्यास लगी, इसलिए उनमें से कुछ ने कुछ समय के लिए गतिविधियों में भाग लेना बंद कर दिया। तब सहायकों ने उन्हें अपनी संबंधित पानी की बोतलें दी। जल्द ही वह फिर से होने वाली गतिविधियों में शामिल हो गए। तो ये जो मीनिंग इन्होंने अवलोकन लिखा है ये वीडियो के अकॉर्डिंग लिखा है कि वीडियो में जो जो चीज उन्होंने चेकआउट की है, वीडियो देखी है। यार वेट, अवलोकन यहाँ से उन्होंने स्टार्टअप किया। आपने क्या करना है, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा स्कूल ओपन का रहेगा, आपने क्या करना है, यहाँ फर्स्ट तो आप टाइमिंग लिखोगे कि कितने टाइम पे स्कूल लगता है। उसके बाद बच्चे कितने टाइम पे स्कूल में आते हैं, बच्चों ने आकर कौन कौन सी गतिविधियां स्टार्ट की, बच्चों ने गुड मॉर्निंग बोला फिर या टीचर ने गुड मॉर्निंग बोला, टीचर ने अटेंडेंस लगाई, सभी बच्चों की नोटबुक्स निकाली, चेकआउट की, उसके बाद पोएम्स कराई, जो जो मीनिंग टाइम के अकॉर्डिंग कितने टाइम में उन्होंने क्या किया, कितने टाइम पे लंच हुआ, बच्चे पानी पीने कब गए, बच्चों का फ्रूट ब्रेक कब हुआ, वो सब आपने यहाँ पे अवलोकन में रिटर्न करना है। ये एज अ डेमो के लिए मैंने आपको बता दिया। अभी विश्लेषण की बात करते हैं। विश्लेषण क्या होता है,
विश्लेषण में क्या लिखना है, जैसे हम रीड करते हैं, शिक्षण ने बच्चों को जो गतिविधि जो शारीरिक गतिविधियां कराई वे बच्चों के बारीक और सकल मोटर विकास के उद्देश्य से की गई। इस उम्र के बच्चे त्वरित शारीरिक विकास प्रक्रिया में है और उन्होंने सभी संवेदी अंगों और हाथों और पैरों के उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने मन और शरीर के बीच एक सामान्य विकसित करने की आवश्यकता है, इसलिए शारीरिक द्वारा बताई गई गतिविधियां उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए थी। इसलिए इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों को संचात्मक लचीलेपन के लिए है। जब प्रशिक्षक ने बच्चों से पूछा कि क्या वह तैर रहे हैं या फिर उड़ रहे हैं, उन्होंने जब उन्हें कमरे में चलने के लिए कहा, उस समय वह उन्हें सरल अंग्रेजी शब्दों या फिर क्रिया शब्दों की ओर ले जा रहे थे। ये एक उद्देश्य के साथ किया गया था ताकि बच्चों को बहुत स्वाभाविक तरीके से संचार अंग्रेजी सीख सके। तो इन्होंने अपने वर्डिंग यूज की है समझाने के लिए कि टीचर का एम क्या था, टीचर का गोल क्या था, बच्चों को क्या वो सिखाना चाहते थे, वो आप अपने सरल लैंग्वेज में सरल भाषा में यहाँ पे जो विश्लेषण है वो लिख सकते हो। आपको क्या लगा, टीचर ने बच्चों को लाइक फ्रूट्स नेम की एक्टिविटी कराई, बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी करवाया, बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने कौन कौन से टूल यूज किए, बच्चों को किस टूल्स के अकॉर्डिंग जल्दी समझ आया, वो चीज लिख सकते हो। अदरवाइज विश्लेषण में मान के चलो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि वो ऐसे कर सकते थे जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को जल्दी समझ आए, वो चीज भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। तो वो आपने ये मीनिंग लिखना है। आगे हम एक मिनट, यस यहाँ तक हमने रीड किया। जब प्रशिक्षक ने बच्चों से पूछा कि क्या तैर रहे हैं या उड़ रहे हैं, और जब उन्होंने कमरे में चलने के लिए कहा, उस समय वे उन्हें सरल अंग्रेजी शब्दों और या क्रिया शब्दों की ओर ले जा रहे थे। इसमें इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का भी बात की है क्योंकि जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो ये चीज भी आप मीनिंग एज अ हाईलाइट लिख सकते हो हाईलाइट के अकॉर्डिंग। और एक चीज ये है कि मान के चलो जो विश्लेषण आप लिखते हो ना, उस पे मान के चलो कुछ भी डायग्राम आपको लगे भी हाँ यहाँ डायग्राम क्रिएट होती है, तो आप क्रिएट कर सकते हो, पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। मैंने पाया कि बच्चे इन शारीरिक गतिविधियों का भरपूर आनंद लेते हैं और मुस्कुराते थे और हंसते भी थे। उन्होंने देखा कि उनके शिक्षक भी ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लगा कि शिक्षक उनके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि खेल खेल में छोटे बच्चों को खेल खेल में ही सिखाया जाता है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही सिखाया जाता है, जिससे बहुत बहुत जल्दी सीखते हैं। कुछ समय बाद दो या तीन बच्चों ने इन गतिविधियों में अपनी रुचि खो दी और जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। उस समय शिक्षक ने उन गतिविधियों को दूसरे प्रकार की दिलचस्प गतिविधियों में बदल दिया, जैसे कि मान के चलो काउंटिंग की एक्टिविटी होती है तो उनके पास ब्लॉक्स होते हैं, पेंस होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ टूल्स होते हैं, उसकी मदद से वो बच्चों को सिखाते हैं और दिलचस्प बनाते हैं कि कोई भी बच्चा बोर ना हो, बच्चे को सभी चीज के लर्न हो जाए। वह समझ गया कि बच्चे थक गए हैं और उठ भी गए हैं, इसलिए वह उन्हें सकल में बैठने के लिए कहता है और एक अन्य प्रकार की गतिविधि शुरू करता है। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य बच्चों का ध्यान कहीं और मोड़ना था और बहुत बार वापस लाना था, क्योंकि बच्चे केवल कुछ मिनटों के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये गतिविधि बच्चों में मोटर और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत सहायक थी। ये गतिविधियां काफी सरल थी और बच्चों को ये बहुत पसंद आया। तो ये आपका विश्लेषण था फर्स्ट दिन का विश्लेषण आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो। लास्ट में आपको जैसे निरपेक्ष या फिर हम कंक्लूजन बोल सकते हैं वो निकालना है। एट लास्ट मीनिंग जो भी हम लाइक कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मीनिंग आप रिटर्न करना चाहते हो वो चीज आपने रिटर्न करनी है। शिक्षक सभी गतिविधियों को सरलतापूर्वक करने में सक्षम था। उन्होंने संज्ञात्मक लचकीलेपन के परिमाण स्वरूप ठीक और सकल मोटर विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया। वे बच्चों को एक्शन के एक्शन से सीखने में सक्षम बनाने के लिए साथ साथ उन्हें स्वाभाविक रूप से संचार अंग्रेजी सीखने में भी सक्षम बनाता था। मैं इन गतिविधियों पर कुछ और समय लगा सकता था क्योंकि बच्चे उनका आनंद ले रहे थे। तो ये आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग जो लास्ट पे रिटर्न करना है एज अ कंक्लूजन बोल सकते हैं या फिर निकर्ष जो आप निकालना चाहते हो। तो पहले दिन का ये आपका जैसे पूरा अवलोकन और विश्लेषण मैंने कंप्लीट आपको समझाया।
मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज होती है कि मैम ये कैसे होगा, वीडियोस कैसे बनेगी, क्या वीडियोस बनानी है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट के ऊपर हम वीडियोस लेके आएंगे जिसपे आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपके जो डाउट्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। बाकी ये चीज आपने अपने अकॉर्डिंग आप रिटर्न कर सकते हो। पहला दिन मैंने आपको समझा दिया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन सेम आपको ऐसे ही अवलोकन और विश्लेषण करना है। जो चीज आपने, जो थिंग्स आपने स्कूल में लिखी है या स्कूल में आपने देखा है कि टीचर बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज करवाती है, क्या क्या करवाते हैं, तो पांच दिन आपने जो डीएससी फोर ईयर प्रोजेक्ट है उसका ऐसे ही आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए मैं आपको जो नेक्स्ट वाली हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी सेकेंड पार्ट के फर्स्ट डे पे, लाइक फर्स्ट हमारी जो एक्टिविटी रहेगी सेकेंड पार्ट की उस पे रहेगी। तो अभी ये चीज मैं आपको एक बार तीसरा दिन दिखा देती हूँ, मैं थोड़ा सा धीरे कर लेती हूँ, आप एक आइडियाज ले सकते हो। तीसरा दिन, चौथा दिन, अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए ही है, आपकी हेल्प के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करना था जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पांचवा दिन आपने देखना, सेम इन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज बताए हैं, ये चीज आपने सेम रिटर्न नहीं करनी बट आपने चेंजेस करना है, इसमें अपने अकॉर्डिंग लिखना है क्योंकि ये कोविड वाला है। ये देखिए जो चरण आपका दूसरा है, इसमें इन्होंने बताया है मेरे परिवार में एक बच्चे के साथ गतिविधि छात्रकाल जुड़ा है। हमने एक बच्चे के साथ नहीं करना, हमने पूरी क्लास के साथ करना है। क्लास के साथ एक्टिविटी कैसे डन करोगे, इसके लिए हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो उसका पहला दिन करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। ओके गाइस, बाय बाय।